वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रिव्यू। आज आपका सीजीएल का पहला पेपर हुआ है, फर्स्ट। आज पहली शिफ्ट में, मतलब सारी शिफ्ट का जितना भी एनालिसिस निकाला निचोड़, मतलब कौन से शिफ्ट में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आए, आपको आज हम पूरा ओवरऑल देख लेंगे कि एग्जैक्टली जो आपका एग्जाम हो रहा है सीजीएल का, आज पहले बार एग्जाम हुआ है, फर्स्ट डे था एग्जाम का, किस टाइप से आपका एग्जाम हो रहा है, तो हम आज उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं। इसलिए मैं आपके सबसे लास्ट में आपका रिव्यू लेके आई हूँ, जिससे कि आपको पूरे दिन का, मतलब हर एक क्वेश्चन ना बताते हुए, क्योंकि पता है क्वेश्चन वही सेम आना है कि कौन से लेवल कौन सा आ रहा है, वो आज हम देख लेंगे कौन से एग्जाम्स में कितने लेवल का क्वेश्चन है, जिससे कि आप लोग आगे के एग्जाम्स को थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो सभी लोग, अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, पहली बार हमसे आज जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिएगा, ओके। तो देखते हैं, आप सभी को पता है आपका कितना में होगा सीजीएल का जो रिव्यू हुआ है। पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात कर, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सवाल कौन कौन से आए मेनली, एक बार देख लेते हैं। डायरेक्टली एग्जाम से लिए हुए सवाल है डायरेक्टली, ठीक है। कुछ हमारे टीचर्स थे वो गए थे वहां पे रिव्यू लेने के लिए, और कुछ बच्चों ने अपने जो पेपर देखे हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमें भेजे थे कि मैम इस टाइप के क्वेश्चन भेजे गए थे। तो डायरेक्टली एग्जाम सेंटर से लिया गया ये पेपर है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आए थे एक सवाल आपका फिगर काउंटिंग का आया था। फिगर काउंटिंग में क्या था, आपको कुछ फिगर इस टाइप से थी, इस टाइप से एक फिगर दी हुई थी, ये थी फिगर कुछ ऐसी। एग्जैक्टली फिगर तो नहीं भेजी, जो अप्रोक्सीमेटली फिगर फिगर भेजी गई उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक फिगर आपके ऐसे भेजी गई, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे थे, बहुत आसान है। एक एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, चार तो यहाँ बन गए आपके, इससे पांचवा ये, छठा ये और सातवा ये, सात तो यहाँ बन गए, सात हो गए। आठवा, नौवा और दसवा, दस ट्राइंगल ये हो गए। मतलब ये अगर आपकी फिगर एग्जैक्टली ऐसी होती तो आपका ये होता है, उसमें हल्का फुल्का चेंज होगा कि बच्चे जब भेजते हैं एग्जैक्टली फिगर नहीं भेज पाते, पर आप देंगे देखिए फिगर जरूर अलग जरूर थी, पर आसान थी फिगर, फिगर अलग अलग जरूर है, जो हम पढ़ते हैं उससे अलग फिगर है, पर आसान है, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको आ जाएगी पहली बार में। एक और सवाल पूछा था आपसे ऑड वन आउट का, ऑड वन आउट को बहुत सारे सवाल आए थे। एक सवाल आपका ये था माउस कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड हेडफोन और व्हाट्सएप में सबसे अलग क्या है, एक इस टाइप का सवाल था आपका। ऑड वन आउट के काफी सवाल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, उसको जरा ध्यान देख के जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में क्या था, आपको मिसिंग नंबर की जगह इस बार देखिएगा रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी। इस बार आपकी हर बार मिसिंग नंबर सीरीज आती है, हर बार आपके मिसिंग नंबर की सीरीज आती थी, पर इस बार आपके रॉन्ग नंबर सीरीज की पूछी गया था सवाल। एक पूछा गया था आपको मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर पूछा गया था, मिसिंग नंबर कौन सा वाला, बॉक्स के फॉर्म में, बॉक्स वाला मिसिंग नंबर, डिब्बे में ना फिगर बनी होती है, खाली स्थान सा होता है, वो वाला भी एक सवाल आपसे पूछा गया था। मिरर इमेज से सवाल आया था आपका, मिरर इमेज, डाइस से एक सवाल आया था आपका, एज से, देखो एज का आप बोलते हो बैथ्स में आता है, रीजनिंग में आता है, एज से एक सवाल पूछा गया था आपका। ब्लड रिलेशन से भी, ब्लड रिलेशन से भी एक सवाल पूछा गया था। कोडिंग से एक सवाल पूछा गया था आपसे। तो ये था आपका रीजनिंग का, जो मेनली हर एक सेट में सवाल पूछे गए थे, हर एक सेट में यही कुछ सवाल थे जो पूछे गए थे रिपीटेडली सारे के सारे आपके शिफ्ट्स के अंदर। ये बात समझ में आ गई। तो ये सबसे पहले तो हमने बात करी अपने सब्जेक्ट की, भाई सबसे पहले अपना सब्जेक्ट जरूरी है, सबसे पहले बात करी हमने अपने सब्जेक्ट की, रीजनिंग में आपका कुछ इस टाइप सवाल हो रहा है। तो आप मैं मान के चलिए आपको हर टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको, सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाएगा, और अब टाइम वैसे भी नहीं है, केवल मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग। अब बात कर लेते एक बार आपके मैथ्स की, अगला बात करते हम लोग मैथ्स की, मैथ्स में किस टाइप के सवाल पूछे गए थे आपसे, मैथ्स में किस टाइप के सवाल पूछे गए थे वो भी देख लेते एक बार। मेनली मैथ्स में क्या आया था, मैथ्स में आपके कौन से सवाल पूछे गए थे, एलजेब्रा के सवाल आए थे बहुत ज्यादा, दो से तीन सवाल आए थे एलजेब्रा के आपके, एलजेब्रा ज्यादा आता है आपके एग्जाम्स में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपसे दो से तीन पूछे गए थे इसमें भी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के सवाल ज्यादा थे, डिस्काउंट वाले सवाल हर सेट में पूछे गए था। डीआई आपको पूछी गई थी, पांच सवाल आपके डीआई के आए थे, और डीआई भी कौन सी वाली, टेबल वाली, इस टाइप की टेबल वाली आती, कंपनी की, कंपनी की टेबल वाली पूछी गई थी, कंपनी वाली थी और टेबल वाली थी, ठीक है। आपका ज्योमेट्री सवाल भी आए थे, ज्योमेट्री सवाल है दो से तीन सवाल, लेकिन मेनली सवाल थे आपके एंगल बेस्ड,
ज्योमेट्री सवाल जरूर थे, बस सारे के सारे कैसे बेस थे, आपके एंगल बेस्ड सवाल थे। आई बात समझ में? तो ये रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, और मैथ्स में वही चीज देखो, ये तो था मेजर पोर्शन। मेजर पोर्शन मतलब जो हमेशा अलग टाइप से आता है, बाकी अर्थमेटिक आपका हमेशा आना है। अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस आना ही है, टाइम एंड वर्क का एक सवाल आना ही है आपका, पाइप एंड का एक सवाल आता है आना ही है आपका, ये तो फिक्स है, ये तो हर बार आता है एग्जाम्स में। ये एलजेब्रा इस बार 2 से 4 मार्क्स, देखिए काफी ज्यादा हद तक सवाल आए थे आपके एलजेब्रा के। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2-3 सवाल हो गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपके डिस्काउंट पे बेस आया सवाल था आपका, डीआई में भी कंपनी वाला आया था आपका, टेबुलर वाला सवाल आया था। ज्योमेट्री में भी सवाल 2 से 3 जरूर थे, पर आपके सवाल किस पे थे, एंगल बेस थे, आसान सवाल थे, ज्यादा लॉजिकल सवाल नहीं था। प्री में वैसे भी ज्यादा लॉजिकल सवाल नहीं आता, हम लोग मेनली फोकस करते हैं इसमें स्कोर करने पे। मैक्सिमम जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतने ही आपके अच्छी मेरिट बनेगी लास्ट में, ठीक है। तो ये बात तो इसकी हो गई। अब बात कर रहे थे थोड़ी सी आपकी किसकी, उसकी जीके की। जीके में भी काफी ज्यादा टू द पॉइंट सवाल पूछे गए थे, देखना जीके में भी अगर आप देखोगे टू द पॉइंट सवाल पूछे गए थे। जैसे कि सवाल लिखती हूँ कुछ मैं, कुछ सवाल जो हमें बच्चों ने भेजे हैं वो सवाल मैं आपको लिखवाती हूँ, एक सेकेंड। सवाल क्या था आपका, ईयर बोन, ईयर बोन को क्या बोलते हैं, ठीक है। कान की हड्डी, मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज किसे मिला था। सांची स्तूप कहां पे है, सांची स्तूप कहां पे है, एमपी में। गुप्त वंश के फाउंडर, गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे, गुप्त वंश के फाउंडर, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, देखो डायरेक्ट सवाल है, कुछ भी अंदर डीपली नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, एक सवाल ये भी आया था आपका, ठीक है। नेफ्रॉन की स्टडी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन जो किडनीज में होते हैं आपके, नेफ्रॉन की स्टडी को क्या बोला जाता है, एक सवाल आपका यहां से भी आया था। और आपका आपका हेडक्वार्टर पूछा गया था, देखो हेडक्वार्टर भी किसका पूछा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर पूछा गया था आपसे। और सवाल क्या था आपके, रेपो रेट का रिव्यू कौन करता है, रेपो रेट का रिव्यू कौन करता है, ये पूछा गया था, कौन करता है, आरबीआई करता है भाई। फिर क्या है, पालतू जानवरों की स्टडी को क्या कहते हैं, देखो पालतू कुत्तों की स्टडी को क्या कहते हैं, देखो अलग सवाल आ गया, ये सवाल आप ढूंढ के देखे ना, मैं बताई थी पहले, साइक्रोलॉजी, सी वाई एन ओ एल ओ जी वाई, जिसने इंग्लिश पढ़ी होगी, एक इंग्लिश में एक सिमिलर वर्ड्स आते हैं, कैसे कि इसकी स्टडी को ये बोलते हैं, इसकी स्टडी को ये बोलते हैं, इसकी स्टडी को ये बोलते हैं, उसमें आया था पालतू कुत्तों की स्टडी को क्या बोला जाता है। ये शिफ्ट 1 में सवाल पूछे गए थे, शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया था वो भी देख लेते एक बार, शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया था वो देख लेते। नंद सिरका में कौन सा एसिड होता है, सिरका में एसिड कौन सा होता है, ये पूछा गया था, कौन सा होता है भाई बताइए, सिरका में कौन सा एसिड होता है भाई, ये आपको पूछा गया था एक सवाल। और पूछा था गेट ऑफ इंडिया, गेट गेट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, गेट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी आपकी, 31 मार्च 1911 में हुई थी। नंद वंश की, देखो ये पहला शिफ्ट था, पहला शिफ्ट पूछा गया गुप्त वंश की फाउंडर कौन था, दूसरे पूछ लिया नंद वंश की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, मां पदम नंद जी ने की थी। फिर क्या था आपका, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हर एग्जाम में आता है, फाल्के अवार्ड का विनर कौन था, अमिताभ बच्चन, सबसे पहला किसको मिला था, देविका रानी को। श्रीलंका का राष्ट्रपति पूछ लिया, श्रीलंका का राष्ट्रपति पूछ लिया भाई। अभी एक मूवी आई थी मिशन मंगल, उसमें एक्ट्रेस कौन थी, ये पूछ लिया विद्या बालन, सभी को पता होगा, एक सवाल ये पूछ लिया विद्या बालन से रिलेटेड सवाल हो गया आपका। एक आपके शशि थरूर जी हैं, शशि थरूर की बहुत फेमस बुक है, बहुत एग्जाम में आती है, शशि थरूर की बहुत फेमस बुक है, बहुत एग्जाम में आती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी आपके एग्जाम पूछी गई थी। तो ये कुछ कॉमन सवाल थे आपसे पूछे गए थे, ये कुछ कॉमन सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे। आपको बताने का मकसद ये है, सवाल तो काफी सारे आए थे, सारे सवाल बताने कोई मतलब वाली बात नहीं, कौन सा रट के जाओगे, सेम सवाल वैसे भी नहीं आना। सवाल को बताने का मकसद यही है कि आपको वैसे कि ऊपर ऊपर से आ रहा है, देखो नंद वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना, सांची स्तूप कहाँ पे, स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, मैन बुकर प्राइज आप लोग हमेशा पढ़ते हो, बहुत कॉमन प्राइज हो गया, ठीक है। ईयर बोन ऊपर से ही पूछा गया था केवल,
न्यू क्या नाम है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऊपर से पूछा गया है। नेफ्रॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बहुत कॉमन अवार्ड है आपका। सिरका को बहुत कॉमन एसिड है, उसमें होता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, आपको नियरेस्ट स्टेट के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पता होना चाहिए, जो भी नियरेस्ट है इंडिया के, इंडिया के नियरेस्ट अगर कोई है आपकी कंट्री वगैरह उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर कुछ रिसेंटली कुछ चीज हुई हो उसमें पता होना चाहिए आपको। तो आपके बहुत आसान सवाल पूछे गए थे, इन शॉर्ट आपको ज्यादा कोई टफ सवाल थे नहीं। तो आई होप आप जिसका भी आज पेपर हुआ होगा बहुत बढ़िया बेहतरीन पेपर हुआ होगा, और मेरी दुआ यही है कि आगे भी आप सभी का बहुत बेहतरीन पेपर हो। फाड़ के आ जाना बस यार, एकदम पेपर फाड़ के। और रीजनिंग में तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आना यार, इज्जत बचा लेना बस अपनी, हमारी इज्जत बचा लेना कि भाई हमसे पढ़े थे तो कम से कम रीजनिंग में तो पूरे मार्क्स लेके आना भाई, इतनी इज्जत बचा लेना। और सभी लोग कमेंट करेगा, अब जो भी कल पेपर होने वाला है उसके बारे में आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको बाकी बच्चों को बताने में आपको आसानी हो जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जो आगे कल पेपर देने वाले, फिर उनके जिनका भी अब आगे पेपर है उनका, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय बाय।